योग करे निरोग रहे, इस योग उपक्रम का आज चौथा दिन है और आज का आसन है ताड़ासन। इस आसन में शरीर की स्थिति ताड़ के पेड़ के समान हो जाती है, इसीलिए इसे ताड़ासन कहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कैसे करते हैं ताड़ासन। इसे करने के लिए सबसे पहले जमीन पर मैट बिछाएं और सीधे खड़े हो जाएं। फिर अपने दोनों पैरों को आपस में मिलाकर रखें और दोनों हाथों को सीधा कमर से सटा कर रखें। अब धीरे धीरे हाथों को कंधों के समानांतर लेकर आएं। अब दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाएं। पैर की एड़ी भी जमीन से ऊपर उठाकर सावधानी से पंजों के बल खड़े हो जाएं। फिंगर लॉक लगाकर हाथों के पंजों को ऊपर की ओर मोड़ दें और ध्यान दें कि हथेलियां आसमान की ओर रहें, गर्दन सीधी रखें। कुछ देर इस स्थिति में रुकने के बाद सांस छोड़ते हुए हाथों को वापस सिर के ऊपर ले आएं। धीरे धीरे एड़ियों को भी भूमि पर टिका दें और दोनों हाथों को भी नीचे लाते हुए कमर से सटा कर पहली वाली स्थिति यानी कि विश्राम की मुद्रा में ले आए। तो ये था ताड़ासन। इस आसन को नियमित रूप से एक बार में कम से कम 10 बार जरूर करना चाहिए। तो चलिए अब आपको और भी ज्यादा फायदे बताते हैं ताड़ासन के। अगर किसी को अपनी हाइट बढ़ानी हो तो ताड़ासन ऐसे में बहुत ज्यादा लाभकारी होता है। पाइल्स रोगियों को ताड़ासन करने से लाभ मिलता है। ताड़ासन योग बच्चों की शारीरिक ग्रोथ बढ़ाने में बहुत अहम योगदान देता है। इस आसन को नियमित करने से गठिया का दर्द दूर हो जाता है। इस योग को करने से पेट व छाती के सभी प्रकार के रोग नष्ट होते हैं। इस योग को करने से स्लीप डिस्क होने की संभावना कम हो जाती है, शरीर में संतुलन बनता है और वीर शक्ति में वृद्धि होती है। ताड़ासन योग को करने से शरीर का आलस और सुस्ती खत्म हो जाती है। इसे करने से प्रसव पीड़ा नहीं होती, ये हृदय के रोगियों के लिए भी बेहद फायदेमंद होता है। ताड़ासन करने से गर्भवती स्त्रियों को थकान नहीं होती और शरीर में स्फूर्ति बनी रहती है। इसके नियमित अभ्यास करते रहने से पंजे मजबूत होते हैं, पैरों में मजबूती आती है। ताड़ासन करने से कंधों के जोड़ मजबूत होते हैं और सांस लेने छोड़ने की प्रक्रिया सुधर जाती है। इस योग को करने पर अन्य योग मुद्राओं को करने के लिए शरीर में पर्याप्त संतुलन और लचीलापन आ जाता है। ये तो फायदों की बात थी, पर अब हम आपको बताएंगे कि ताड़ासन करते वक्त आपको किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए। गर्भवती महिलाओं के लिए सिर्फ 5 महीने तक ही ये आसन लाभकारी होता है, इसके बाद ये आसन ना करें। जिन लोगों के पैर में कोई गंभीर रोग हो वो भी ये आसन ना करें। घुटनों के दर्द में भी इस आसन का अभ्यास बिल्कुल ना करें। ताड़ासन करने से हाइट बढ़ती है, लेकिन इस आसन को करने के साथ साथ आपको प्रोटीन युक्त भोजन की भी जरूरत पड़ती है। ऐसा कहा जाता है कि 18 साल के बाद बच्चों की ऊंचाई नहीं बढ़ती, लेकिन ये आसन 23 साल की उम्र तक हाइट बढ़ाने में मददगार होता है। इसकी खासियत ये है कि बच्चों की लंबाई निश्चित रूप से बढ़ती है। तो ये थे फायदे और सावधानियां ताड़ासन के। वज्रासन। इस आसन को ध्यान मुद्रा में किया जाना चाहिए। ध्यान मुद्रा में इस आसन का अभ्यास करते समय अपनी आंखें बंद रखें। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले आपको दंडासन की मुद्रा में आना होगा, जिसके लिए आप अपने दोनों पैरों को सामने की तरफ फैलाकर सीधे बैठें और अपने हाथों को अपने कूल्हों के पास रखें। ध्यान रखें कि आपके शरीर का वजन हाथों पर ना पड़े। अब अपने दाएं पैर को मोड़ें और अपने दाएं कूल्हे के नीचे रखें और फिर अपना बायां पैर भी मोड़कर अपने बाएं कूल्हे के नीचे रखें। सुनिश्चित करें कि आपकी जांघें सटी हुई हों और आपके अंगूठे आपस में जुड़े हों।
अब अपने हाथों को घुटनों पर रखें। सुनिश्चित करें कि आपकी ठोड़ी जमीन से समानांतर हो। अपना मेरुदंड सीधा रखें और शरीर को ढीला छोड़ें। अब सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें और कुछ देर तक आराम से रहें। वज्रासन से आपकी जांघों और पिंडलियों की मांसपेशियां मजबूत बनती हैं। ये आसन पाचन क्रिया में सुधार लाता है। वज्रासन आपके पैरों की नसों को मजबूत बनाता है। ये आसन पीठ के निचले हिस्से में हो रहे दर्द और सायाटिका में राहत दिलाता है। वज्रासन रीढ़ की हड्डी को दृढ़ता प्रदान कर उसे सीधा रखने में मदद करता है। यदि आपके घुटनों में दर्द हो या टखनों यानी एंकल्स में चोट लगी हो तो कृपया ये आसन ना करें। बवासीर के रोगियों को ये आसन नहीं करना चाहिए। कुछ समय तक वज्रासन में रहने के बाद अपने शरीर को दाईं ओर झुकाते हुए अपने बाएं पैर को सीधा करें और फिर अपने शरीर को बाईं ओर झुकाते हुए अपने दाएं पैर को भी सीधा कर पुनः दंडासन की मुद्रा में विश्राम करें। नियमित रूप से वज्रासन करने से आपके शरीर को मजबूती प्रदान होती है और एकाग्रता भी बढ़ती है। साथ ही आपके मन को शांति मिलती है और चिंता व तनाव से भी निवारण होता है।